हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम देखेंगे पंजाबी, जो आपकी लैंग्वेज है क्लास टेंथ के लिए, उसका सैम्पल पेपर यानी कि उसका प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं, वो भी टर्म टू के लिए। ठीक है, और ये आपका 2021 से 2022 के सेशन के लिए है और इसका कोड है 004। ठीक है, अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। आपको इस वीडियो से जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो जो आपका पेपर है वो 2 घंटे का आने वाला है और 40 नंबर का आने वाला है। अब बात करते हैं कि आपके कितने पार्ट्स आएंगे यानी कि कितने आपके सेक्शंस आएंगे। तो ए बी और सी, ए बी सी आपके पार्ट्स आने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर ए में आपकी ग्रामर होगी, पार्ट नंबर बी में आपका राइटिंग सेक्शन होगा एंड पार्ट नंबर सी में आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले पार्ट नंबर ए में, जो कि आपका ग्रामर वाला पार्ट है और ये आपका 10 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आएगा और दूसरा क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा और इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू आपको यहाँ से दिख रहा है, ये है 6 नंबर का और ये मैंने पूरा यहाँ पर आपको दिखा दिया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनके आंसर्स की। तो ये रही आपकी आंसर की, फटाफट से इसे भी देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पे आपको बताया हुआ है एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर टू है उसके आंसर्स भी यहाँ पे हमें बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं और ये नीचे बताए हुए हैं। तो इन्हें फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करेंगे पार्ट नंबर बी की। जो आपका पार्ट नंबर बी है वो आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट है और ये आपका टोटल 15 नंबर का है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है और सेकंड क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है। तो ये जो आपका तीसरा प्रश्न है ये आपका टोटल 8 नंबर का है और यहाँ से आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे टाइप्स बटे हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आप इन्हें देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आपको अपने आंसर करने हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें आपको चॉइस दी हुई है, चाहे तो आप ये ऊपर वाला करेंगे चाहे आप ये नीचे वाला करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रही है यहाँ से, तो इसका फ़ायदा उठाना है, दोनों ही नहीं करके आने। अब फटाफट से इनके आंसर्स भी हम देख लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर थ्री था उसके आंसर्स आपको यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं आंसर नंबर फोर की। आंसर नंबर फोर भी यहाँ पे है। देखो, राइटिंग जो सेक्शन होता है उसमें हमें खुद से लिखना होता है, यानी कि जो फॉर्मेट हमें पता है वही हमें लिखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे जो विचार होते हैं वो हमें वहाँ पर प्रकट करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप उससे पढ़ के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं और फिर अपना आंसर आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो राइटिंग सेक्शन तो कभी भी हमें आंसर की में पूरा मेंशन नहीं होता है। अब बात करेंगे पार्ट नंबर सी की, यानी कि टेक्स्ट बुक वाले आपके पार्ट की। तो फटाफट से इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका पार्ट नंबर सी है वो आपका पाठ्य पुस्तक से है यानी कि टेक्स्ट बुक से है और ये है पार्ट नंबर सी जो कि 15 नंबर का है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, सेकंड 4 का, फिर थर्ड भी 4 का एंड फिफ्थ 1 2 3 4, जो चारों के चारों जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे आपको बांटे हुए हैं वो आपके 3 और 4 4 नंबर के हैं। तो ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये टोटल आपके 3 नंबर के हैं। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आप कोई भी अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि आपको 4 नंबर दिलाएगा और एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। और ऐसे ही यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं लेकिन आपको करने ओनली 2 ही हैं, तो यहाँ पर भी आपको चॉइस मिली हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, जो कि क्या है, 4 नंबर का है एक क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई हमें एक करना है। ठीक है, यहाँ पे भी चॉइस मिली हुई है आपको। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है वो भी आपका एक ही क्वेश्चन आपको करना है जो कि 4 नंबर आपको दिलाने वाला है। तो यहाँ पे भी आपको चॉइस मिली है। अब फटाफट से इनके आंसर्स देख लेते हैं। तो ये रहे आपके आंसर्स। जो आपका 5th वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 6th वाले आंसर का क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर है, 7th वाले का यहाँ पर और 8th वाले का यहाँ पे। अब उसके बाद 9 का यहाँ पे है, 10 का यहाँ पे है आपका आंसर, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, और 11th का ये वाला है। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 है उसका क्वेश्चन यहाँ पे इनके आंसर्स दिए हुए हैं, तो आप इनके भी क्या करेंगे, इनके भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका 14 एंड 15 क्वेश्चन बच गया है लास्ट, उसके भी आंसर्स आपको यहाँ पर मैंशन किए हुए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं।
आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर इस वीडियो को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड आपको बता दूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक छोटी सी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।